भोजपुरी के शेक्सपियर के तौर पर मशहूर भिखारी ठाकुर क्रांतिकारी लोक कवि थे। भिखारी ठाकुर के लोकगीतों के केंद्र में ना सत्ता थी और ना ही सत्ता पर काबिज रहनुमाओं के लिए चाटुकारिता। उन्होंने अपनी कविता के जरिए समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन लोक कवि भिखारी ठाकुर के संदेश पर राजनीति करने वाले नेताओं ने उनकी बहुत ज्यादा अनदेखी की है। आज उन नेताओं के परिवार महलों में रहते हैं जो कभी भिखारी ठाकुर का नाम लेकर वोट बैंक की फसल काटते थे, लेकिन छपरा के कुतुबपुर दियारी में भिखारी ठाकुर के परिजनों की झोंपड़ी को देखकर ये समझते देर नहीं लगती कि कैसे भिखारी ठाकुर के संघर्ष को नेताओं ने भुला दिया। घर के छप्पर पर पड़ी ये नीली तिरपाल ये बताने के लिए काफी है कि आज किस हालात में भिखारी ठाकुर का परिवार रह रहा है। अब तो बस उनकी जयंती के मौके पर एक रस्म अदायगी भर कर दी जाती है। बिहारी के सियासी दिग्गजों ने भिखारी ठाकुर के परिवार की एक बार सुध तक नहीं ली। आज भी उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। सामाजिक न्याय दिलाने के नाम पर वोट बैंक की फसल काटने वाले नेताओं ने भी भिखारी ठाकुर के परिवार की बहुत ज्यादा अनदेखी की। भिखारी ठाकुर के परिजन सुशीला कुंवर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूछना लालू यादव आई रहन तो कहलन हम घर मकान समूचे बनावा देव तुर के, तो कुछ न कैलन। लेकिन के नौकरियो न दिलन, नौकरियो देवे कहलन हम, तो वो कुछ न कैलन। तो दुनिया भिखारी ठाकुर के नाम पर दुनिया कमाता, अब भिखारी ठाकुर के कुछ न। ये घर देखे जाना घर रहे ताना घर के बात कहाता है। मंत्रियो हाँ तो वो तो कहबे कर लो मैंने हम बनवा देव हई कह दे, तो कहाँ साले साले तैयार तीन लोग कुछ नहीं खे हो फिर नौकरियो तभी नहीं खे मिलत। अरे ये न जो मैंने घर द्वार बना दे भिखारी ठाकुर के नौकरी दे हम अभी देखे के ना मिलल ना केहू के ना लैका तो पढ़ के अथी भइल बाड़न सब घर में। सरकार के कोनो ध्यान नहीं लैका करतन स धरतन स कमैतन स तब न घर द्वार उठेतन स। जब नौकरिये नहीं खे तो घर द्वार कैसे उठे। आयोजन होला देश विदेश में तो होला तो एजा खातिर कुछ नहीं खे तो हमनी के का कह जब नहीं खे तो नहीं। वहीं भिखारी ठाकुर के परिजनों के पड़ोसी शत्रुंजय सिंह ने भी माना कि सरकार ने इस परिवार की मदद तक नहीं की है। भिखारी ठाकुर के नाम पर कहाँ कुछ मिला है, उनके परिवार तो आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। एक उनका परपोता है सुशील कुमार, एमए कर गया है, लेकिन कोई उनका रोजगार भी नहीं है। सभी आयोजन होता है और उनकी पुण्यतिथि पर भी बहुत से पदाधिकारी गण नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन का अमल नहीं ना होता है। उनका आज भी घर देखिए देख ही रहे हैं। मांग तो ये लोग करबे करते हैं, पूरा परिवार एकजुट होकर मांग करता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। उनके नाम पर तो बहुत कुछ आता है, ऐसा थोड़ी बात। 18 दिसंबर 1888 को तत्कालीन सारण जिले के कुतुबपुर गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम दलसिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। जीवन यापन करने के लिए भिखारी ठाकुर बंगाल के खड़गपुर चले गए। इस दौरान उन्होंने रामलीला का मंचन देखा और फिर अपने गांव आकर उन्होंने एक नृत्य मंडली बनाई और रामलीला खेलने लगे। इसी दौरान भिखारी ठाकुर ने विदेशिया, बेटी बेचना, गब्बर घिचोर, विधवा बिलाप और ननद भौजाई जैसी कई लोक नाटक लिखे। इन रचनाओं में जातिवाद, जमींदारी प्रथा, नशे की लत और महिलाओं की समस्याओं का सटीक चित्रण किया गया। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर भिखारी ठाकुर बस गए। सामाजिक शोषण को लेकर भिखारी ठाकुर ने बहुत कुछ लिखा। उनकी रचनाएं आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। नशाबंदी के खिलाफ वो प्रसिद्ध अपना नाटक लिखा जिसका नाम है पियो निसाइल और गंगा स्नान
ये सारी जो नाटक हैं उनके जितने नाटक हैं वो उन्हें उस कोटि में ला देते हैं जिस कोटि में हम लोग मानते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत ब्रेक्थ हुआ है, या शेक्सपियर के साथ में उनकी तुलना की जाती है लोक साहित्य के लिए। तो उनके जितने भी समाज सुधार के कार्य थे, एक तरह से कहा जाए तो वो पुनर्जागरण के, भोजपुरी क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रतीक थे। जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, बंगाल से शुरू हुआ था, अंग्रेजी में जिसको हम लोग रेनेसा कहते हैं समाज सुधार का, उन्होंने उसे भोजपुरी क्षेत्र में किया। और आज उसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि विभिन्न राज्य सरकारें, खास करके बिहार की सरकार, नशाबंदी के खिलाफ, भारत की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नीति के साथ में, और खास करके बेमेल शादी को बाल रोकने के लिए, बाधित करने के लिए उस पर कानून बनाया गया है। ये सभी बातें आज इस बात की परिचायक हैं कि भिखारी ठाकुर के विचार, उनके नाटक, उनके गीत, उनके संगीत, वो सभी आज प्रासंगिक होते जा रहे हैं। लोक कवि भिखारी ठाकुर बिहार के गौरव हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से सोए हुए समाज को जगाने की पुरजोर कोशिश की थी। बिहार के सभी बड़े नेताओं ने भिखारी ठाकुर के नाम का बस इस्तेमाल किया। आज उनका पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। उनके परिवार की मदद करके ही सरकार भिखारी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से धर्मेंद्र रस्तोगी की रिपोर्ट।